हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एस्पिरेंट से मेरी लगातार बात होती रहती है एंड आई नो देयर फियर्स, किस चीज़ को लेके वो डरे हुए हैं, व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे शुड डू। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 से ही स्टार्ट करता हूँ। यू नो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, ऐसी ना ही पहले कभी आई है ना ही फ्यूचर में जल्दी देखने को मिलेगी। 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 20,800 समथिंग मैंने कल दिखाई थी आपको, डीओपीटी का जो सर मेमोरेंडम था उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, उसके बाद भी अभी कुछ डिपार्टमेंट्स की इसमें वैकेंसीज ऐड नहीं हुए, जो कि फ्यूचर में ऐड होंगी, तो इट विल इंक्रीज फर्दर। बट जो वैकेंसीज हैं हमारी बढ़ेंगी सीजीएल के साथ साथ, और भी सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, इन सभी एग्जामिनेशंस की भी वैकेंसीज के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करनी है। 73,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, एक जॉब तो आपको लेनी ही है, लेकिन वो कोई नॉर्मल जॉब से काम नहीं चलेगा, आपको बेस्ट जॉब लेनी है। ठीक है, आप इस एसएससी के दलदल में फंसे नहीं रह सकते कि इस बार एसएससी सीजीएल 2022 दिया, फिर 2023 देंगे, फिर 2024 देंगे, और लगातार पेपर ही देते रहेंगे जब तक बेस्ट जॉब तक नहीं पहुंचते। ऐसा मत करो ना यार, ये सोच के चलो ना, मुझे एक बार पेपर देना और एक बार ही अपनी बेस्ट जॉब तक पहुंचना है। ठीक है, अपनी बेस्ट जॉब तक पहुंचना है, बेस्ट स्टेट में पहुंचना है, तब जाके मैं रुकूंगा। और वो कोशिश करनी है कि पहले अटेम्प्ट में आपके साथ हो या दूसरे अटेम्प्ट में आपके पास हो, बार बार इस लूप में नहीं फंसे रहना है कि बार बार पेपर देते रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, बस वैकेंसी की नोटिस आया, मैंने बता दिया, खुश हो गए कि इतनी ज्यादा वैकेंसी, हाँ तो हो जाएगा। भाई तब होगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है, जब आप किताब खोलोगे। जैसे किताब खोलने की बारी आती है, सिलेबस देख के डर जाते हैं यार, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, जब करना स्टार्ट करोगे तभी तो होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब तुम स्टार्ट करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग के 30 दिन में जो पढ़ो आउटपुट 15 दिन का निकले, हो सकता है तुम थोड़े से डेविएट हो जाओ सही डायरेक्शन से, बट जब तुम करोगे तभी तुम्हें अपने आप ही सही डायरेक्शन दिखनी स्टार्ट होगी। जो तुम गलतियां करोगे धीरे धीरे उससे इंप्रूव भी करोगे, लेकिन तुम्हारे पास टाइम तो होना चाहिए। अभी 3 महीने थे एग्जाम में, मैंने 3 महीने में बता दिया प्रैक्टिकल प्लान क्या होगा। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, ऐसे आप फॉलो करके कर सकते हो, उसके बाद टीयर 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो ऑलरेडी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, पिछली बार टीयर 1 निकाला था, तो इस बार सीधा टीयर 2 के फोकस करके अपनी तैयारी करें, टीयर 1 आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ये चीजें पता है, बट इसके बाद भी क्या होगा कि वो सुन ली 3 महीने के बाद, फिर 1 महीना बर्बाद कर दिया ऐसे सोचने में क्या करें क्या ना करें, तैयारी करें भी या ना करें, पढ़ें या ना करें, बचेंगे 2 महीने, फिर कहेंगे 2 महीने में सर बता दो। अब कंसाइजली क्या करें, इन 2 महीने में क्या करें। ठीक है, फिर 2 महीने में बता दिया, फिर 1 महीना बचेगा, अब कहेंगे सर अभी तो नहीं कर पाया ज्यादा कुछ, सर अब बता दो बस 1 महीने में ऐसा क्या करें कि सिलेक्शन तक पहुंच जाए, फिर कहेंगे 15 दिन में ऐसा क्या करें सिलेक्शन तक पहुंच जाए। भाई ऐसे नहीं है, चीजें इतनी आसान नहीं है। ठीक है, वैकेंसी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को डिले करते रहें, आप स्टार्ट ही ना करें। एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग, डू सम पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। तुम 1 महीने लगातार 8 घंटे पढ़ो, तुम देखोगे जब 20-30% सिलेबस कंप्लीट होगा ना, जो बर्डन है सिलेबस को देख के जो डर लग रहा है वो डर निकल जाएगा। ठीक है, जब 20-30% भी कवर हो गया ना, तुम्हें दिखेगा, फिर तुम्हारे अंदर से इच्छा आएगी हाँ पूरा करना है इसे। 20% को 30%, 30% को 40%, 40% को 50% करते करते हमें 80%, 90% और 100% तक जाना है। ठीक है, 100% तो करने की जरूरत भी नहीं होती सिलेक्शन के लिए, तुम 80% भी अच्छे से करके जाओगे तो भी सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, बट करो तो सही, डू एटलीस्ट स्टार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली जो चीजें बताई गई हैं, आपको समझाई गई स्टडी वीडियो में, उन्हें फॉलो करते हुए आप स्टार्ट तो करें। कुछ लोग कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स, उनके लिए तो कट ऑफ भी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस ओबीसी की भी कम जाती है, अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। यार आप देखो तो सही, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, मतलब लोग डर रहे हैं। ठीक है, मॉक दे रहे हैं, मॉक में 120 नंबर आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, फिर भी डर रहे हैं बहुत ज्यादा। यार डर क्यों रहे हो, मेहनत करोगे काम करोगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। यार तुम पहले से इतना नंबर लेके आ रहे हो कि टीयर 1 तो डेफिनेटली आपको क्वालिफाई होना ही है, टीयर 2 के हिसाब से अपनी तैयारी करो ना अच्छे तरीके से, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो अच्छे तरीके से, थोड़ा आइडिया, हर चीज मेरे बताने की नहीं है, हर चीज आपको खुद भी सोचनी है कि यार पिछली बार ऐसा गया था, इस बार पैटर्न चेंज होगा, जीके पूछी जाएगी तो थोड़ा सा कट ऑफ में ये इंपैक्ट पड़ सकता है, उसे को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो यार। ठीक है, कीप यूजिंग योर ब्रेन एंड कीप स्टडिंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, चलो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।